हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो आप लोग पूरी जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी लाइव प्रोसेस से संबंधित, तो वो भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराई थी, उसमें नोट्स वगैरह भी थे। आज की वीडियो में भी आप लोग देखेंगे कि आज आप लोगों को क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट्स जो हैं वो भी आपको वीडियो के लास्ट में आप को देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला है, इन विच ऑफ द फ्लोविंग पेयर लीफ पीस कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपको बता दें, इसमें ब्रायोफिल्लम एंड कैलेंचो, ये दो हमारे पास प्लांट हैं। और इन प्लांट्स की क्या विशेषता है, आपको पता होगा कि इन प्लांट्स में जो ये बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, इनके माध्यम से मतलब कि ये न्यू प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफिल्लम और कैलेंचो जो है लीफ द्वारा मतलब प्रोपोगेशन करते हैं ये। इसका आंसर हमारा फर्स्ट आएगा। सेकंड नंबर का है, ए शियोन इज़ ग्राफ्टेड टू ए स्टॉक, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड विल बी डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ। सेकंड नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा शियोन, ठीक है, ऊपर वाला। हाँ जी, सेकेंड वाले का क्या आएगा, शियोन ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पी क्यू आर एस टी गिवन द फ्लो चार्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन का कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो लीफ वर्ड्स जो हैं यहाँ पर, देखो मैं थोड़ा ऊपर लेके चल रहा हूँ इसको, यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे लीफ वर्ड्स हैं तो यहाँ पर तो आएगा ब्रायोफिल्लम, तो यहाँ पर कहीं पर ब्रायोफिल्लम हो तो देख लेना, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या आएगा, स्पायरोगायरा, तो देखो स्पायरोगायरा यहाँ पर है। पोटेटो यहाँ पर आएगा, ट्यूबर, ट्यूबर यहाँ पर है। ऑनियन, ऑनियन होता है बल्ब, यहाँ पर है। जिंगर, जिंगर जो होता है राइजोम होता है, ये है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा फूड वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ऑफ पोटेटो आर, तो ये ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जो पोटेटो होता है ये स्टेम होता है, ये ध्यान रखना। एंडोस्पर्म इज़ फॉर्मेड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होगा उसमें टू मोलर पोलर न्यूक्लियाई होंगे और इसमें एक मेल गैमेट्स होगा, ये आप ध्यान रखना। तो हमारा आंसर आएगा ए, फर्स्ट वाला। द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एंडो एंड एम्ब्रियो सेक इज डाइकॉट प्लांट, तो इसमें कुछ इस तरीके का चलता है। ऊपर की तरफ तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं, यहाँ पर दो सहायक कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है, सिनर्गट्स होती हैं, यहाँ पर ये ओवम होता है, यहाँ पर दो द्वितीयक केंद्रक होते हैं। तो इस तरीके से तीन ऊपर, तीन, दो, तीन, इस तरीके से चलता है। और इसमें आठ तो सेल, आठ होती हैं इसमें न्यूक्लियस, आठ न्यूक्लियस होते हैं। और एक मिनट, इसमें आठ होते हैं न्यूक्लियस और सेवन होते हैं इसमें सेल, ये ध्यान रखना इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या है ये आपको बताना। तो बोलेंगे मेल गेमेटोफाइट जो होता है उसी को पोलन ग्रेन कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, आठवीं का प्रश्न है हमारे पास, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो क्या है ये हम देखेंगे। तो इसका हमारा आंसर आएगा ये वाला, फोर्थ वाला। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल टू मेल गेमेट्स ब्राउट बाय द सेम पोलन ट्यूब, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिनगेमी इज़ द प्रोसेस इन विच, तो नाइन वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका आएगा ये वाला, कौन सा, ये वाला आएगा। फर्स्ट, मेल गेमेट्स फ्यूज्ड विद फीमेल गेमेट्स, तो यहाँ पर मेल गेमेट्स दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मेल गेमेट्स है और ये फीमेल गेमेट्स है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारा हो जाएगा सिनगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एम्ब्रियो सेक एंड टू एंड थ्री एंड कंडीशन आर फाउंड आर रेस्पेक्टली, तो आपको बता दें यहाँ पर एन है, यहाँ क्या दे रखा है एन, तो एन का हमारा आएगा, एक मिनट, एन का हमारा आएगा एंटीपोडल सेल, टू एन का आएगा जायगोट और थ्री एन का आएगा एंडोस्पर्म। तो इस तरीके से हमारे ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन हमारा थ्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच वन इज़ द एप्लीकेबल टू इंसेक्ट पॉलीनेटेड फ्लोवरिंग, ग्यारहवें का क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखना समझना। जो फ्लोवर होगा कंस्पिकेशन होगा और इसमें नेक्टर पाए जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखना। और ये नेक्टर मतलब फूलों का रस पाया जाएगा, फूलों का रस को पीने के लिए हमारे पास इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इफ़ द पोलन इज़ ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट इट इज़ द टर्मिट, तो उसको हम बोलेंगे ओटोगेमी।
उसे क्या कहा जाता है, उसे हम ऑटोगेमी बोल देते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना ठीक है, और इसका मुझे आंसर बताना कि आंसर क्या आएगा। देख लीजिए आराम से, इसमें ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अगला है द एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इन द स्पेशली रिच इन, तो आपको बता दें इसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पोलन ऑफ वन फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा एंड अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इन द नो, आपको बता दें उसको हम पता क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं ये बोलेंगे, उसे बोलेंगे गैटिनोगेमी। गैटिनोगेमी में क्या होता है, फ्लावर दो होते हैं लेकिन हमारे पास प्लांट एक ही होता है ठीक है। पार्थियोजेनेसिस अकर्स वेन, तो 16वें का आंसर है वो हमारे पास यही है, वेन एम्ब्रियो इज फॉर्मेड विदाउट द फ्यूजन ऑफ एंड एग एंड द स्पर्म, तो आपको बता दें इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें फर्टिलाइजेशन होता, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ, तो 17वां जो है आपको बता दें एंडोस्पर्म में ये त्रिगुणित होता है ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 3 न्यूक्लियाई ठीक है। यूनिसेक्सुअल ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट, तो 18वें का आंसर आएगा ये वाला, ऑटोगेमी तो इसके अंदर होगी बट नॉट गैनेटोनोगेमी, तो इसमें ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट, पॉलिनेशन बाय द विंड इज कॉल्ड, तो जिसमें विंड द्वारा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। हाइड्रोफिली हम उसे बोलते हैं जो वाटर के द्वारा मतलब कि पॉलिनेशन होता है, जूफिली वो होता है जो एनिमल्स के द्वारा होता है, एंटोमोफिली वो होता है जो मतलब कि इंसेक्ट द्वारा होता है ठीक है। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है और ये हार्मोन लीडिंग सेल जो होती हैं, लीडिंग सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ए, मतलब फर्स्ट आएगा। सर्टुली सेल जो होती हैं, इस सेल का काम होता है कि ये स्पर्म को क्या काम करती हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ लीडिंग अकर्स इन, तो लीडिंग सेल जो होती हैं वो टेस्टिस में होती हैं, तो इसका आंसर आएगा तीसरा। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ वास्ट डिफरेंस ऑफ मैन आर कट, अगर हम इसको कट कर देते हैं तो इसमें आएगा शीमन, सीमन इज विदाउट स्पर्म, मतलब सीमन तो निकलेगा लेकिन उसमें स्पर्म मौजूद नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर नो एस, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे हर्मोफ्राइडिट्स ठीक है, द्विलिंगी बोलते हैं, तो फोर्थ आंसर आएगा। ओव्यूलेशन अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो ओव्यूलेशन के लिए 26 ओव्यूलेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, किसकी पता है आपको, हमें रिक्वायरमेंट होती है LH हार्मोन की, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा LH हार्मोन ठीक है। नेक्स्ट है, इन 28 डे ह्यूमन ओवरियन साइकिल ओवल्यूशन अकर्स, तो ओवल्यूशन जो होता है वो होता है 14वें दिन, कौन से दिन होगा, तीसरा है, 14वें दिन होता है, MC चक्र में अंडाशय से अंडे जो निकलता है वो 14वें दिन निकलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होगा, डीजनरेटेड आफ्टर सम टाइम, ये कुछ समय बाद मतलब बेकार हो जाती है। ए लार्ज प्रोटियोनिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटेरस वॉल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो 29 का जो आंसर आएगा वो यही आएगा, प्लेसेंटा, क्या आएगा, प्लेसेंटा होगा। मेंस्ट्रुएशन इज द कॉज्ड बाय, मेंस्ट्रुएशन इज कॉज्ड बाय, तो इसका आंसर आएगा फॉल इन प्रोगेस्टेरोन लेवल, तो प्रोगेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तब हमारा ये मेंस्ट्रुएशन मतलब कि MC चक्र आ जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोलेड बाय, तो इसको कंट्रोल करने का कौन बताओ, इसको कंट्रोल करेगा ये तीसरा वाला करेगा, तीसरा वाला का मतलब तुम समझ गए होंगे कि बोथ ए एंड बी दोनों मतलब LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सभी करेंगे। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन आफ्टर एज 25, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मेनोपॉज हो जाता है, MC चक्र जो होती है महिलाओं की 45 से 50 साल बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवन टेक प्लेस इन, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहाँ पर होता है फिलोपियन ट्यूब में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोमिंग इज एन IUCD, तो IUCD जो है
कौन सा है इसमें जो कॉपर्टी है, कॉपर्टी जो हो जाए IUCD के अंतर्गत आएगा ये। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट इन, तो ओरल में जो आएगा वो क्या काम करेगा 37, ये ओवल्यूशन नहीं होने देता, इसका आंसर आएगा हमारे पास सेकंड। अगला है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कॉपर्टी, तो कॉपर्टी का वर्क होता है ये वाला, ये वाला है हमारे पास टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देता है कॉपर्टी जो होता है। सर्जिकल रिमूवल फॉर कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ द एंड ऑफ ओविडक्ट इज कॉन इज नो, तो आपको बता दें जब हम फलोपियन नलिका को काट कर बांध देते हैं तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास ट्यूबेक्टोमी। अगर पुरुषों में नसबंदी कराई जाती है तो उसे वासेक्टोमी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपने देखे कि बहुत सारे हमने मतलब कि 39 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपको क्या काम करना है, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो है इसका बना के डाल दिया है लाइव प्रोसेस का, तो आप सब लोग कोशिश करना लाइव प्रोसेस वाला मतलब जो वीडियो है उसको देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं, ये हमारे पास काफ़ी इंपोर्टेंट थी, ठीक है। और उसके साथ साथ में हमारे पास और भी मैं पार्ट बनाने वाला हूँ, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इंपोर्टेंट हमारे पास नोट्स हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिजन में बाइनरी फिजन अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में हो रहा है, मल्टीपल फिजन हो रहा है प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम से मलेरिया पैरासिटिस होता है, बडिंग जो है हाइड्रा में और यीस्ट में होती है, ध्यान रखना, और हाइड्रा में एक और होता है रीजनरेशन भी होता है, ये भी ध्यान रखना, रीजनरेशन हाइड्रा में और प्लेनेरिया में दिखाई दे रहा होगा, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है स्पायरोगायरा में, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है राइजोपस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं। अब बात करते हैं हम इसकी, यहाँ आप देख रहे होंगे वेजिटेटिव प्रोग्रेशन है जो कि आर्टिफिशियल और नेचुरल है, आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमेंस के द्वारा किया गया है, नेचुरल मतलब नेचुरल तो समझ में आ गया होगा आपके। टिश्यू कल्चर आर्किड में, लेरिंग्स जैस्मिन में, ग्राफ्टिंग मैंगो में और कटिंग रोज में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि स्टेम ग्रास में, लीफ ब्रायोफिल्लम में और कैलेंचो में, और रूट में स्वीट पोटेटो हो गया, सतावर हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये आ जाएंगे। जितने भी यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप देखकर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एजेंसी ऑफ पोलिनेशन, तो अबायोटिक में आपका आएगा वाटर, वाटर के द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली, विंड के द्वारा होगा तो एनिमोफिली, और नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटिक वाले की, तो बायोटिक में इंसेक्ट के द्वारा होगा तो एंटमोफिली, बर्ड के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली, बैट्स के द्वारा होगा तो काइरेप्टेरोफिली, इस तरीके से आप लोगों के ये आ जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करके जोड़ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ओव्यूल्स है ये, ठीक है, एंटीपोडल्स है, रीजनस बिकम डिजनरेट, बेकार हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस जो होता है एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, एग जो होता है जायगोट में कन्वर्ट होगा और जायगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, इंटिगुमिनेंट जो होता है वो सीड कोट बन जाता है, फ्यूनिकल से स्टॉक सीड बन जाएगा, और ये कंप्लीट हमारा क्या बन गया, सीड हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लीडिंग सेल मिल जाती हैं, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर सर्टुली सेल होती हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, वास्ट डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है सिर्फ मेल में मिलती है ध्यान रखना, कॉपर ग्लैंड हो गई, पेनिस हो गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरीज हैं, और ये ओवरीज क्या काम करेगी, ओवरी का फॉर्मेशन होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने का काम करेगी, है ना, ये ध्यान रखिएगा, और इसमें ग्राफेन फॉलिकल होगी जो कि एग को बाहर निकालेगी, ठीक है, ओवुलेशन बोल देते हैं उसको। फेलोपियन ट्यूब में जो एग होगा उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यूटेरस में जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट होता है, वेजाइना में जो पेनिस होता है वो एंट्री करेगा, मेमरी ग्लैंड होती हैं जो हुमेंस होती हैं उसमें दो होती हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारे पास एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV के द्वारा होता है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोल देते हैं। नीचे आप लोग और देख रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ सिफिलिस आपका ट्रिपनोमा पैलेडियम द्वारा होगा जो कि एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है, गोनोरिया नाइसेरिया गोनोरियाई द्वारा होगा, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है,
ट्रैगोमोनोसिस ट्रैगोमोनास वेजिनल द्वारा होगा, ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी है। जेनिटल वार्थ ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज़ है। ये जितनी भी डिजीज़ हैं इन सभी डिजीज़ को हम बोलते हैं एसटीडी। एसटीडी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या काम किया, हमने इम्पोर्टेंट रूट्स को कवर किया, और इम्पोर्टेंट रूट्स के कवर करने के साथ साथ में हमने दूसरा काम क्या किया, हमने क्वेश्चंस भी किए, और इन दोनों को करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हम लोगों को करना भी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी होगी काफ़ी अच्छी होगी। आपको मैं थोड़ी बता दे रहा हूँ कि अभी आपके पास जितना भी समय है उस समय में सबसे ज़्यादा आपको क्या काम करना है, एक तो जो NCERT है NCERT का अच्छे तरीके से आप रिविज़न ज़रूर कर लें। उसके साथ साथ में आपने क्या सीखा लास्ट में, जो इम्पोर्टेंट बातें पॉइंट्स लिखे रहते हैं उन पॉइंट्स को देख लें। आपके NCERT में जो बॉक्स होते हैं येलो कलर के बॉक्स ब्लू कलर के बॉक्स, उन बॉक्स को जल्द देख लेना। उसके साथ में जो आपके डायग्राम दे रखे हैं डायग्राम से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हें आप देख कर जाइएगा। अब आपके पास एक चीज़ और आती है कॉन्सेप्टम, कॉन्सेप्टम के क्वेश्चन आप कर लेना, कॉन्सेप्ट के आगे जो थ्योरी लिखी रहती है उस थ्योरी को कवर कर लेना। उसके बाद में जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह इसी में जो दिए हैं उसको आप देख कर अगर जाते हैं तो आपका एक बार में आराम से डिप्लोमा में सिलेक्शन हो जाएगा। आई थिंक जो भी मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको बता चुका हूँ। और भी मेरी वीडियो मतलब आ चुकी हैं और जो आने वाली हैं उन्हें आप लगातार देखते रहना। और आपको बता दें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों तक वो सबसे पहले पहुँच सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।